प्यारे विद्यार्थियों, आज से यह जो वंशु द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, पिछले टॉपिक में आपको पढ़ाया गया था साझेदारी व साझेदारी फर्म के समापन में अंतर। अब आज का नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है कि फर्म के समापन पर खातों को बंद करने की वैधानिक व्यवस्था, कि जब फर्म का समापन हो जाता है तो उस समय फर्म के समस्त खातों को बंद किया जाता है, क्योंकि खातों को बंद करना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि फर्म के समापन पर जितनी भी व्यावसायिक क्रियाएं हैं वो समस्त व्यावसायिक क्रियाएं बंद हो जाती हैं, और व्यावसायिक क्रियाओं को बंद होने के बाद खातों की किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं होती है, और खातों की आवश्यकता नहीं होने के कारण ही समस्त खातों को बंद करना पड़ता है। लेकिन खातों को बंद करने के लिए कुछ वैधानिक व्यवस्थाएं हैं, कानूनी व्यवस्थाएं हैं, कुछ तरीके हैं, उन तरीकों के आधार पर, सिस्टम के आधार पर ही खातों को बंद करना पड़ता है। देखिएगा, फर्म के समापन पर खातों को बंद करने की जो वैधानिक व्यवस्था है वो निम्न प्रकार से है। सबसे पहले मैं कंडीशन नंबर ए लिखता हूं। कंडीशन नंबर एक क्या कहती है कि सभी हानियों और कमियों को सबसे पहले नहीं, सभी हो सकता है हानियों व कमियों को सबसे पहले लाभों में से, सबसे पहले लाभों में से, और उसके बाद पूंजी में से। बाद में पूंजी में से तथा उसके बाद तथा उसके बाद अर्थात सबसे अंत में साझेदारों द्वारा अतिरिक्त राशि, साझेदारों द्वारा अतिरिक्त राशि लाने पर, या फिर उसको हम कह सकते हैं कि साझेदारों द्वारा अतिरिक्त राशि लाकर पूरा कर सकते हैं, देखिए विद्यार्थियों क्या कह रहा है कि फर्म में जो भी, फर्म के समापन के समय यदि फर्म में कोई हानि रहती है या कोई भी कमी रहती है तो उन हानियों या कमियों को पूरा किया जाता है, अर्थात हानियों या कमियों की क्षतिपूर्ति की जाती है। अब क्षतिपूर्ति करने के लिए हमें राशि चाहिए, किसमें से क्षतिपूर्ति करेंगे? लाभों में से। यदि फर्म के पास कोई लाभ है, फर्म के समापन के समय, मान लो पहले से कोई हानि बची हुई है और फर्म के समापन के समय लाभ हो गया, तो उन लाभों में से सबसे पहले हम क्या करेंगे, हानि की या कमी की क्षतिपूर्ति करेंगे। अगर हमारे पास हानि या कमी की क्षतिपूर्ति करने के लिए राशि नहीं है, लाभ की राशि नहीं है, तो ऐसी स्थिति में पूंजी होगी साझेदारों की, उस पूंजी में से हम कमी की क्षतिपूर्ति करेंगे, अर्थात कमियों की या हानियों की क्षतिपूर्ति करेंगे। अगर यदि साझेदार की पूंजी भी कम पड़ जाती है तो फिर ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, पूंजी को प्रयोग में ले लेंगे, और फिर भी यदि राशि कम पड़ गई तो साझेदारों द्वारा अतिरिक्त राशि पूंजी के रूप में और लाई जाएगी, और अतिरिक्त राशि ला करके और उन कमियों को अर्थात हानियों की क्षतिपूर्ति करेंगे, उसके बाद ही खाते बंद हो पाएंगे। तो ये हमारे पास पहली कंडीशन थी। अब इसी कंडीशन के बाद दूसरी कंडीशन आती है नंबर बी, संपत्तियों को बेचने से प्राप्त होने वाली संपत्तियों को बेचने से प्राप्त होने वाली राशि एवं साझेदारों द्वारा साझेदारों द्वारा लाई गई राशि का प्रयोग निम्न प्रकार से किया जाता है।
प्रत्येक अनुबंध में देखिए विद्यार्थियों, कंडीशन नंबर एक तो क्या कह रही थी कि सभी हानियों व कमियों को पूरा करने के लिए हम सबसे पहले प्रयोग करेंगे लाभों का, लाभों में से कमी या हानि की क्षतिपूर्ति करेंगे। अगर ये लाभ नहीं है हमारे पास तो साझेदारों की पूंजी में से करेंगे, लाभ नहीं तो पूंजी में से करेंगे। अगर पूंजी भी कम पड़ जाती है या पूंजी है ही नहीं तो ऐसी स्थिति में साझेदार अतिरिक्त राशि लाएंगे, उस अतिरिक्त राशि ला करके और फिर कमी की और कमी की या फिर हानि की क्षतिपूर्ति करेंगे, अर्थात उसको पूरा करेंगे। कंडीशन नंबर दो क्या कहती है कि संपत्तियों को बेचने से प्राप्त होने वाली राशि एवं साझेदारों द्वारा लाई गई राशि का प्रयोग निम्न प्रकार से किया जाएगा। अब यहाँ यदि देखो, ये एक तो कंडीशन ये हो गई, एक कंडीशन ये हो गई, क्योंकि ये संपत्तियों का व्यवहार विक्रय किया जाएगा। जब फर्म का समापन हो जाता है तो संपत्तियों का विक्रय करने के लिए विक्रय किया जाता है, विक्रय से प्राप्त होने वाली राशियों का प्रयोग दायित्वों का भुगतान करने के लिए किया जाता है। लेकिन अब हम संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त होने वाली राशि और साझेदारों के द्वारा जो राशि लाई जाती है उसका प्रयोग हम कब कब करेंगे, किस किस कार्य के लिए लेंगे। देखिए नंबर एक कि सुरक्षित ऋण का भुगतान, सुरक्षित ऋण का भुगतान, सुरक्षित ऋण का भुगतान, सुरक्षित ऋण का भुगतान का मतलब सिक्योर लोन। सुरक्षित ऋण को कहते हैं सिक्योर लोन। क्या कहता है कि यदि फर्म के द्वारा कोई भी सुरक्षित ऋण लिया गया है तो सुरक्षित ऋण का, सुरक्षित ऋण का मतलब किसी संपत्ति को या व्यवसाय की किसी भी प्रॉपर्टी को गिरवी रख करके जो भी लोन लिया गया है उसको हम सिक्योर लोन कहते हैं, तो उसका भुगतान किया जाएगा। किससे किया जाएगा? संपत्तियों को बेचने से प्राप्त होने वाली राशि एवं साझेदारों द्वारा लाई गई जो राशि है उसका प्रयोग सबसे पहले किसके लिए करेंगे? सुरक्षित ऋण का भुगतान करने के लिए करेंगे। नंबर दो, अगर सुरक्षित ऋण का भुगतान कर दिया या फिर सुरक्षित ऋण फर्म में है ही नहीं तो उसके बाद करेंगे बाहर के पक्षों के ऋण का भुगतान करने में, बाहर के ऋण का भुगतान करने में, व्यवसाय के बाहर से यदि किसी व्यक्ति फर्म संस्था या कंपनी से ऋण लिया गया है जो सिक्योर्ड लोन नहीं है अर्थात जो अनसिक्योर्ड है तो उसका ऋण का भुगतान करने में हम निजी संपत्तियों को बेचने प्राप्त होने वाली राशि उस साझेदारों द्वारा लाई गई राशि का प्रयोग करेंगे। और तीसरा काम के लिए क्या है? साझेदारों द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान करने में, साझेदारों द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान करने में, साझेदारों द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान करने में। अगर साझेदारों द्वारा भी फर्म को कोई ऋण दिया गया है तो फिर साझेदारों को वो राशि वापस लौटाई जाएगी, साझेदारों को वापस लौटाई जाएगी तो कहाँ से लौटाई जाएगी? संपत्ति को बेचने से जो प्राप्त हुई राशि उसमें से लौटाई जाएगी या फिर साझेदारों द्वारा अतिरिक्त राशि लाई गई है उसमें से लौटाई जाएगी। कंडीशन नंबर चार कहती है साझेदारों का पूंजी शेष वापस करने में, साझेदारों का पूंजी शेष वापस करने में, समस्त समायोजन करने के बाद सबसे अंत में बचते हैं साझेदारों के पूंजी शेष, वो साझेदारों की पूंजी कहलाएगी। समस्त समायोजन करने के बाद जो सबसे अंत में जो पूंजी शेष कहलाएगी वो समायोजित पूंजी होगी, उस समायोजित पूंजी का भुगतान साझेदारों को करना पड़ता है ताकि उस साझेदारों के पूंजी खाते में भी किसी प्रकार की राशि का कोई शेष नहीं रहे और खाते खाली हो जाए जिससे खाते को बंद किया जा सके। कंडीशन नंबर अगली मतलब नेक्स्ट, इसके बाद हम उस राशि का प्रयोग कहां करेंगे?
अगला कह रहा कि यदि कुछ और भी शेष हो तो उसे साझेदारों को उनके लाभ भजन अनुपात में बांटकर। यदि कुछ और भी शेष हो, यदि कुछ और भी शेष हो तो साझेदारों में उनके लाभ विभाजन अनुपात में बांट कर। कहने का यह है कि यदि समस्त समायोजन कर दिए, साझेदारों को पूंजी शेष भी दे दिया और स्वच्छ ऋण का भुगतान भी कर दिया, भार ऋण का भुगतान भी कर दिया, साझेदारों द्वारा जरूरी दिए गए ऋण का भुगतान भी कर दिया, साझेदारों को उनकी पूंजी वापस लौटा दी, फिर भी यदि कोई राशि शेष बच जाती है तो उस राशि को उन साझेदारों में उनके लाभ विभाजन अनुपात में बांट दिया जाता है। इस प्रकार से विद्यार्थियों फर्म के समापन के समय खातों को बंद करते समय ये दो वैधानिक व्यवस्थाएं होती हैं, इनको ध्यान में रखते हुए ही हमें खातों को बंद करना पड़ता है। यदि फर्म की समाप्ति पर संपत्तियों को बेचने से प्राप्त राशि से सबसे पहले बाहरी पक्षों के ऋण का भुगतान होता है। बाहरी पक्ष का मतलब फर्म के बाहर के जो ऋण, जहाँ से ऋण लिया गया है, उन पक्षों को भुगतान करना होता है। उसके अलावा राशि का उपयोग साझेदारों के ऋणों का भुगतान करने के लिए किया जाता है और सबसे अंत में साझेदारों को उनकी पूंजी वापस लौटाई जाती है। सबसे पहले तो सुरक्षित ऋण का भुगतान किया जाता है, फिर व्यापार के बाहर अर्थात फर्म के बाहर से को ऋण लिया गया तो उसको भुगतान करना पड़ता है, फिर साझेदारों को यदि साझेदारों द्वारा भी कोई ऋण दिया गया है अर्थात साझेदारों से यदि फर्म ने ऋण दिया है तो साझेदारों को फिर उस ऋण की राशि का भुगतान करना पड़ता है, और उसके बाद में साझेदारों का जो पूंजी शेष यदि फर्म में है तो वो पूंजी शेष फर्म द्वारा साझेदारों को चुकाया जाता है, और यदि फिर भी कुछ शेष बच जाता है तो उनको साझेदारों में लाभ विभाजन अनुपात में बांट दिया जाता है, और साझेदारों के निजी ऋणों का भुगतान उनकी निजी संपत्ति से होता है। साझेदारों के निजी ऋणों का भुगतान उनकी निजी संपत्ति से होता है। यदि अपने खुद के स्तर पर यदि उन्होंने फर्म को ऋण दिया है जिनका कहीं लेखा जोखा नहीं है तो निजी संपत्ति से ही उसका भुगतान करना होगा। निजी दायित्वों का भुगतान करने के बाद यदि शेष बचता है तो उसे फर्म के ऋणों के भुगतान के रूप में उपयोग में ले लिया जाएगा। यदि फिर भी यदि कोई राशि शेष बच जाती है किसमें, अगर किसी ने निजी रूप से फर्म को ऋण दिया है, निजी रूप से फर्म को ऋण दिया है तो निजी रूप से ही संपत्तियों को बेचकर तो भुगतान करना पड़ेगा। यदि कोई राशि फिर शेष बच जाती है तो फिर उस राशि से मान लीजिए साझेदार ने ऋण तो दिया था 10,000 रुपये का, सौ संपत्ति का विचार कर दिया उसको 25,000 रुपये का, उसके पास 15,000 रुपये ज़्यादा चले गए। अब इस 15,000 रुपये का प्रयोग फर्म द्वारा अपने स्वयं के दायित्व का भुगतान करने में कर लिया जाएगा। इस प्रकार से ये हमारे जो कंडीशंस हैं, वैधानिक व्यवस्थाएँ हैं, वो आपके सामने हैं विद्यार्थियों। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा अगले वीडियो में। धन्यवाद।